क्यू इक्वल टू सी भी सबको याद है, ठीक है ना। चलो चलो तो भाई पहले क्वेश्चन लिख लो, करो एक क्वेश्चन आसान सा। ये ले लो 10 वोल्ट है, दो कैपेसिटर लगा दिए यहाँ पे, इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रो फेरेड और इसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रो फेरेड ना। फेरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है ना कैपेसिटर के लिए, तो हम माइक्रो फेरेड यूज करते हैं। फाइंड सी इक्विवेलेंट सेकेंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। करो आसान सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला प्रैक्टिस करने के लिए करो सब लोग। चलो देखो भाई यहाँ पे तो सी इक्विवेलेंट क्या है भाई अपना, देखो इसको सी वन मान लेते, इसको सी टू मान लेते, तो हमें पता है सी इक्विवेलेंट इसको करेंगे तो दिख रहा है सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू आ रहा है, कर लोगे सी वन प्लस सी टू, फिर इसको उल्टा कर देंगे है ना। नहीं है तो कर दो, सी वन सी टू कितना है 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 10 15 3 माइक्रो फेरेड, क्योंकि जो यूनिट इनका तो उसका भी वही होगा 10 बाई 3 माइक्रो फेरेड आ गया ना। तो कितना चार्ज निकलेगा इससे, बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, यही तो था सी इक्विवेलेंट, यही तो बताता है बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा। तो सी इक्विवेलेंट है तुम्हारा 10 बाई 3 माइक्रो फेरेड और पोटेंशियल है 10 वोल्ट्स, फेरेड है इंटू वोल्ट्स होता है तुम्हारा कूलम, तो ये आ गया तुम्हारा 100 बाई 3 माइक्रो कूलम, 100 बाई 3 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज बैटरी से निकला, अगर बैटरी इतना चार्ज पॉजिटिव में दे रही है तो इधर से इतना चार्ज नेगेटिव में आएगा, और ये इनिशियली न्यूट्रल था तो इधर पे क्यू है तो इधर पे माइनस क्यू आएगा, इधर पे प्लस क्यू आ जाएगा। देखो सब कुछ कंजर्व है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है ना, इधर से क्यू दिया तो इधर से माइनस क्यू दे दिया, इस पे क्यू तो इसमें माइनस क्यू आएगा, इसमें माइनस क्यू तो इसमें प्लस क्यू आएगा, सब सेटलमेंट है। और क्यू की वैल्यू ये है 100 बाई 3 आया क्या समझ में, तो दोनों में 100 बाई 3 और 100 बाई 3 कूलम चार्ज होगा दोनों कैपेसिटर पे। जब हम कैपेसिटर पे चार्ज बोलते हैं उसका मतलब उसकी पॉजिटिव प्लेट पे कितना है, ऐसे नेट चार्ज तो कितना है कैपेसिटर पे, जीरो। क्लियर है ये पक्का? तो एक और आसान से क्वेश्चन कर दो बस, आगे बढ़ते हैं। फाइव माइक्रो फेरेड, ये मान लो सी वन है तुम्हारा, ये सी टू है, 10 माइक्रो फेरेड और पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो पहला फाइंड सी इक्विवेलेंट, सेकेंड क्यू वन एंड क्यू टू मतलब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा वो भी निकालो। चलो देखो यहाँ पे ना, चलो करते हैं सी इक्विवेलेंट। पहले तो भाई पैरेलल है, पैरेलल में हमको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है हमको, तो कितना आ गया 15 माइक्रो फेरेड। अब क्यू इक्वल टू होता है सी इक्विवेलेंट इनटू वी, पर ये क्यू होता क्या है सबसे पहले तो ये याद रखना है, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से जितना चार्ज निकला है ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट कितना है तुम्हारा 15, अच्छा इधर है ना 15 माइक्रो फेरेड इंटू 10 वोल्ट, तो कितना आ गया 150 माइक्रो कूलम ठीक है, तो हमारा आ गया 150 माइक्रो कूलम। पर ये चार्ज तो यहां से निकला है, इधर तो डिवाइड होगा ना भाई, तो ऐसा थोड़ी ना दोनों पे 150, ये तो क्रिएशन हो गया फिर चार्ज का, इधर से 150 निकला है तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, अब कितना जाएगा वो निकालना है। तो मान लेते इस पे चार्ज आ गया क्यू वन, इस पे माइनस क्यू वन आ गया, इस पे क्यू टू, इस पे माइनस क्यू टू। अब चार्ज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस में, क्यू इक्वल टू सी वी, तो क्यू वन इक्वल टू सी इंटू वी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी के अक्रॉस वी, जो बैटरी के अक्रॉस होता है वही इसके अक्रॉस आएगा, तो सी कितना है तुम्हारा सी वन है ना सी वन, तो 5 माइक्रो फेरेड इंटू 10 वोल्ट, तो कितना आ गया 50 माइक्रो कूलम। और क्यू टू कितना आ जाएगा सी टू इंटू वी, 10 माइक्रो इंटू 10, तो 100 माइक्रो कूलम। तो क्यू वन क्यू टू, देखो क्यू वन क्यू टू का सम करने पे 150 आ भी रहा है ना, क्यों? क्योंकि 150 बैटरी से निकला है, तो बैटरी में से 50 यहाँ पे चला गया, 100 यहाँ पे चला गया, आया क्या समझ में पक्का?
करें, अगला क्वेश्चन करें। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो देखो कैसे करें हम, तो हमको पता है, मान लो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो वी वन है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो क्या है, वी टू है, वी टू है ना। तो हमको पता है क्यू इक्वल टू, अगर इस पर चार्ज मान लो Q है, इसमें माइनस क्यू आ जाएगा, इस पर क्यू आ जाएगा, इसमें माइनस क्यू, ये Q हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पिछले क्वेश्चन निकाला था ना C इक्विवेलेंट इन टू V, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है Q। तो देखो Q C1 वन इंटू वी वन भी तो होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ V1 वन इज नथिंग बट Q1 वन बाय C1 और यहाँ पे Q1 वन इज नथिंग बट Q, तो V1 कितना आ गया, Q कितना है तुम्हारा C इक्विवेलेंट इंटू V बाय C1, ये तुम्हारा पहले वाले के अक्रॉस इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। दूसरे वाले के अक्रॉस कितना होगा, V2 इक्वल टू Q2 by C2, अगेन Q by C2, और Q कितना है तुम्हारा C equivalent by C2 into V, क्या आ गया तुम्हारा। तो इतना पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस ड्रॉप होगा ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, V मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, क्योंकि नेट पोटेंशियल तो दोनों के अक्रॉस V ड्रॉप हो रहा है ना बैटरी से। ये देखो तो ये तुम्हारा 20 माइक्रो फेरेड है, ये भी 20 माइक्रो फेरेड है, और ये तुम्हारा 30 माइक्रो फेरेड है, और ये तुम्हारा 50 वोल्ट है। इसको 10 वोल्ट ले लो यार, 10 वोल्ट ले लो। तो फाइंड, पहला है C इक्विवेलेंट, दूसरा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। करो C equivalent and charge on each capacitor। देखो इसमें कैसे करेंगे, ये दोनों पैरेलल है, दिख रहा है सबको, तो ऐड हो जाएंगे, 20-20 करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो कैसे बन जाएगा इनको अगर कंबाइन कर देंगे हम, तो ऐसा बन जाएगा हमारा सर्किट। चल रहा है सर, फिर भी बहुत गर्मी रहती है। 30 माइक्रो फैराड इन दोनों को सीरीज में, अब देखो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, देखो पैरेलल में कंबाइन करने का मतलब होता है, अगर मान लो 10 पैरेलल में है तो किसी एक को छोड़ के बाकी सब मिटा दो, तो हमने इसको छोड़ के बाकी सबको मिटा दिया, जितने भी अगर मान लो 10 होते सबको मिटा देते ना, और ऐड करके क्या आ रहा है 40, ठीक है। अब सीरीज में कंबाइन करना है, तो सीरीज में कैसे करते कंबाइन, क्या करो इसको हटाओ और एक लाइन बना दो, ओपन नहीं करना, इसमें शॉर्ट कर देना है ना, शॉर्ट करना मतलब कनेक्ट कर दो। देखो दिखा रहा हूँ, जैसे इन दोनों कंबाइन करने पे पहले तो क्या आएगा बताओ, अभी दिमाग में करना सीखो, C1 C2 by C1 plus C2, तो 40 into 30 by 70, तो 120 by 7 आ रहा है ना यार, ये तो करवाया था ना नहीं, ठीक है। तो देखो इसको हम रख रहे हैं, एक को छोड़ के बाकी सब हटा दिए जाते हैं ना, तो इसको रख लेते, इसको हटा दिया मान लो, तो इसकी जगह इसमें लाइन खींचना जरूरी है, तो ऐसा आ गया, कितना आ गया इसका 120 by 7 माइक्रो फेरेड, और पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, ये तुम्हारा सी इक्विवेलेंट आ गया। अब चार्ज कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट इनटू वी, पर ये चार्ज कैपेसिटर्स में नहीं है, ये तो बैटरी से निकला है। अब देखो बैटरी से निकला, अब इधर से तो क्रॉस हो नहीं सकता, तो ये जो चार्ज निकला है 1200/7 वो तो यहीं पर रह जाएगा। अब इधर से जो -1200/7 है वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इधर पे 1200/7 आया, तो इधर पे -1200/7 आया, ठीक है। अब इन पे कैसे निकाले चलो बताओ,
बचे हुए कैपेसिटर्स को कैसे निकालेंगे आप चार्ज? इक्वली बैठेगा दोनों पे? क्यों भाई? क्योंकि दोनों के आइडेंटिकल है, दोनों के कैपेसिटर सेम है, और तुम्हें कितना 1200 by -1200 by 7 भेजा है, तो उसका आधा कितना होगा? -600 by 7, -600 by 7, इधर माइनस आ रहे तो इधर पे कितना आ जाएगा? और देखो इधर -1200 by 7 है, देखो ये पूरे एक अलग से आइसोलेटेड था ना, इस आइसोलेटेड प्लेट पे नेट चार्ज कितना है दिख रहा है? जीरो है ना, 600 600 1200 1200 -1200 जीरो है यार। तो ये इनिशियली न्यूट्रल थी, फाइनली भी न्यूट्रल। देखो चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और बैटरी भी कभी नेट चार्ज नहीं देती। बैटरी तो जितना पॉजिटिव से निकालती है उतना ही नेगेटिव से भी निकालती है। आया क्या समझ में? देखो पक्का बढ़े आगे बढ़े फिर हम, नहीं आया तो भाई पूछो किसी को, अगर डाउट है इसमें कैसे करा। आ गया पक्का? ठीक है चलो। हाँ पहले ये अलग क्वेश्चन करो। ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल एंड आर अरेंज्ड, देखो देखो एन लिखो, ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट आइडेंटिकल कैपेसिटर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इज एज शोन इन द फिगर। तो ऐसी इन्फाइनाइट कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स के ना, और फिर यहां पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और सबका कैपेसिटेंस क्या है? ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी, आइडेंटिकल है ना, तो सबका कैपेसिटेंस क्या होगा? बराबर होगा। ए कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फाइनाइट आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैविंग ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी is as shown in the figure, find the equivalent capacitance, find the equivalent capacitance। हो गया? अब ध्यान रखना सीरीज पैरेलल का थोड़ा थोड़ा, ये सारे किसमें हैं? सीरीज है, तो अगर पहले सीरीज वालों को कंबाइन करते हैं, ये तो अकेला है ना, 1/c + 1/c/2, (1/c + 1/c + 1/c + 1/c) 4/c, उसका उल्टा करेंगे, ये सब कर लेंगे। अगर किसी को आ रहे तो लिख के कर लेना कैलकुलेशन, है ना, फिर सी वाई, और ऐसे ही आती जाएगी सीरीज। अब ये सारे किस में? ये सारे पैरेलल में, तो सीधे ऐड हो जाएंगे। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो गया? (c + c/2 + c/4 + c/8 + सो ऑन इन्फिनाइट। अगेन कौन सी सीरीज है? ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो सी तुम कॉमन लोगे तो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन, ये आ गई। इसमें हमें दिख रहा है आर कितना है हमारा, हाफ दिख रहा है सबको, आर क्लियर दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा? c (a/1 - r), तो हाफ 2c आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो कहने के लिए इतने सारे कैपेसिटर थे पर इक्विवेलेंट कैपेसिटर सीधा 2c आया। ये ज्योमेट्रिक सीरीज सबको आती है ना? नहीं आते? मैथ नहीं पढ़ा? मैथ्स क्यों, मेडिकल क्यों? ठीक है सिखाएंगे तुम्हें ना, देखो बता ही देता हूँ, चलो देख लो भाई, अगर कभी ऐसा कुछ आ जाए ना, अगर ऐसा सम पूछ ले तुम्हें ना, ए कोई कांस्टेंट है, a (r) + (ar)² + (ar)³ एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट, है ना, ऐसे इन्फाइनाइट सीरीज है, एंड मोड आर इज लेस देन 1, देन ये तुम्हारा सम हो जाता है a (1 - r), ये आता था। अगर ऐसी सीरीज है और मॉड आर लेस देन 1 है तो सम ही आ जाएगा तुम्हारा ना, वरना नहीं आएगा। तो लिख लो इसे नोट करके, जिसको ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं आती। ठीक है क्या? बड़े आगे तो ये छोटे मोटे सर्किट कर लोगे सॉल्व आप, सीरीज पैरेलल, ठीक है। आप लिखो किरचॉफ्स लॉ।